वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उनसे निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तीसरी जन चौपाल में बहुत ज्यादा भी नहीं जुटी और इसकी वजह हरियाली का त्यौहार और बारिश का मौसम रहा। जन चौपाल का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता भी पहुंचे थे, चलिए सुनाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनता से मिलने का तीसरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जन चौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री प्रदेश के तमाम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तीसरी मुलाकात के कार्यक्रम में भीड़ अपेक्षाकृत कम है और उसकी वजह यह मानी जा रही है कि चूंकि हरेली का त्यौहार है कल और बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से ज्यादातर किसान लोग अभी खेतों पर हैं और इसकी वजह से आज संख्या कुछ कम है। हालांकि लाइन लगी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग क्या समस्या लेकर पहुंचे? क्या है कि अपने यहाँ आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है, उसमें जो अभी भर्ती किया गया है, फर्जी पुआड़ा किया गया है और वर्षों से चले आ रहा है, वहाँ गड़बड़ झाला, उसी का आवेदन शिकायत करने। आप क्या मांग लेकर क्या है? क्या है सर, अभी बारिश का सीजन है, गांव में गली कीचड़ उचड़ ज्यादा है, तो गली कांक्रीटीकरण का मांग के लिए हम लोग बारिश के मौसम में जो दिक्कत आ रही है उसके समाधान के लिए। कुछ युवा है, युवाओं से बातचीत करते हैं। आप लोग कैसे आए? भैया बालों से आया हूँ सर, मेरा दुकान ने मनमानी ढंग से तोड़ दिया पंचायत वाले ने। पंचायत वाले ने मनमानी ढंग से तोड़ दिया, क्यों? 5 साल से चल रही थी वहाँ पे, उसने क्या कुछ रिपेयरिंग कर रहा था, मैं चूहे की वजह से परेशान था, तो वो क्या है रिपेयरिंग को देखते हुए ना पंचायत पूरे दुकान को हटाने के लिए नोटिस जारी की थी, बट क्या है 1 से 1.5 महीने हो गया केवल मेरा ही दुकान तोड़ के रखा है। तो लोग अपनी अपनी समस्या लेकर के पहुँच रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला है, आप कहाँ से आए हो? छप्पर बाबा बात रहा है, गुड़िया। अच्छा, गुड़ियारी रायपुर ले, कहा समस्या लेकर आया? वो लड़का रात 12 दिन हो गए ले आके सीन नहीं आज के बोला पैसा दे दे हम सी खारिज हो गई थी, इतने यही कि लड़का तो घर में उठा ले गए। कौन और उठा के ले गए? पुलिस वाले थे। कहाँ कर पुलिस? गुड़ियारी थाना से। कहाँ मामला है? वो है मटर उतर ले है वो कैसी चलो थी तो घर तो किसी में नहीं गए थे कुछ आप ले गए। तो ये अपनी अपनी समस्या है, कुछ साझा समस्याएं हैं लोगों की और कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसका समाधान वो मुख्यमंत्री से चाहते हैं, और मुख्यमंत्री से समाधान होगा कि नहीं होगा ये दूसरी बात है, लेकिन उम्मीदों के साथ लोग पहुंचते हैं। कैमरामैन है श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।